अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबात। बस ये चंद आखिरी लेक्चर्स रह गए हैं, आप लोगों के क्लासेस 21 से स्टार्ट हो रही हैं, आप लोगों ने स्कूल आना है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अल्लाह आप लोगों को भी खुश रखे, रहा सुकून में रखे और मुलाकात अच्छे अंदाज में हो हमारी। हम लेक्चर लेसन नंबर 13 पढ़ रहे थे, लेक्चर नंबर 44 है। बुध का दिन है, 16 तारीख है, 9वां महीना, 20वीं साल। जमात शशम के लिए अभी हम 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर आगे आपका 14 आएगा एक वो चैप्टर पढ़ के, तो इंशाल्लाह ये सिलेबस भी कंप्लीट होने वाला है आप लोगों का। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, स्टाइल आप लोगों को पता है, पुराने स्टूडेंट्स हैं सारे। डेट लगानी है, जमात का काम, बुध, उनवान, इतफाक में बरकत, सरगर्मी, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। बड़े मियाँ अपने लड़कों को क्या पैगाम देना चाहते थे? आपने पूरी कहानी पढ़ी ना, उसमें एक ही पैगाम देने की कोशिश कर रहे थे कि इतफाक में बरकत होती है और वे आपस में मिलकर रहने रहोगे तो मजबूत और ताकतवर रहोगे। ठीक है, बड़े मियाँ अपने लड़कों को ये पैगाम देना चाहते थे कि इत्तफाक में बरकत है, आपस में मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत और ताकतवर रहोगे। कहानी का सबसे दिलचस्प और पुरमज़ा जुमला तहरीक कीजिए, जिसे पढ़कर आपको हंसी आई हो। ये हर एक का डिफरेंट हो सकता है, अपने अंदाज में लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ये एक लिख दिया है। मेरे ख्याल में ये जुमला दिलचस्प और पुरमज़ा है। लकड़ी नहीं, शायद कुकड़ी कह रहे हैं, दो दफ़ा लिख दिया मैंने। कुकड़ी खाने को जीजा, कुकड़ी पंजाबी में मुर्गी को कहते हैं, जी चाहता होगा। ये जुमला पढ़कर मुझे हंसे, मुझे ये मुनासिब अच्छा लगा जुमला के, थोड़ा मजाकिया अंदाज का लगा कि उन्होंने पंजाबी के लफ्ज इस्तेमाल किए। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी, कहानी से 5 मुहावरात अलहदा कीजिए और उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। कहानी में काफ़ी अच्छे जुमले इस्तेमाल हुए हैं, मुहावरात इस्तेमाल हुए हैं, मैंने वो चुने हैं और उनके जुमले बना दिए हैं। अब आप सुन भी लें, अगर डिफरेंट जुमला बनाना चाहें तो एज यू विश। गाड़ी छिनना, यानी आपस में इत्तफाक होना, पाँचों दोस्तों में गाड़ी छिनती है, इनके आपस में अच्छी मोहब्बत है, इत्तफाक है। कोई दम का मेहमान होना, यानी मौत के करीब होना, मरीज़ की हालत ठीक नहीं, कोई दम का मेहमान है। चे में गोइयाँ होना, यानी आपस में बातें करना राजदारी से, पांचों बेटे आपस में चे में गोइयाँ करने लगे, यानी आपस में राजदारी से बातें करने लगे। बाल बीका ना होना, यानी किसी किस्म का नुकसान ना होना या कोई असर ना होना। सब ने कोशिश की मगर लकड़ियों, ये देखिए काश एक्स्ट्रा लगे इसको बता दें, लकड़ियों के गट्ठे का बाल बीका ना हुआ। लकड़ियों का जो गट्ठा था इतनी मजबूत लकड़ी थी कि उसका कुछ भी उस पर असर ना हुआ। हुक्म हाके मर गए मफाजात, वालिद की बात पर अमल करना उनके लिए ऐसे था जैसे हुक्म हाके मर गए मफाजात, यानी बड़ों का बात न चाहते हुए बात माननी पड़ती है, वो इसलिए ऐसे ही अमल कर रहे थे, उनका अंदाज यही था, वो इससे जाहिर होता है उनके अंदाज से। अब नीचे है तबसरा। देखिए कहानी दिलचस्प थी, मज़े की थी, लेकिन थोड़ी सी एक तो लेंथी हो गई थी, क्लॉज स्टोरी को बनाते बनाते उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें डाल दी थी जिससे कहानी कुछ लंबी हो गई थी मेरे लिहाज से। कहानी को मुसन्निफ ने दिलचस्प अंदाज में तहरीक किया, मुहावरात का इस्तेमाल भी बहुत शानदार था। पांचों बेटे आपस में इतफाक ना करते थे मगर वालिद के बारे में उन्हें इतफाक था कि वो जिद्दी और अड़ियला, ये बात वालिद के लिए इत्मीनान का बासर, नतीजा तो उन्होंने वही निकाल लिया था। कहानी कुछ तवील थी थोड़ी सी,
में लिखी हुई थी। ये बात वालिद की बाहिस इत्मीनान थी। कहानी थोड़ी सी तवील थी मगर अच्छे अंदाज में लिखी हुई थी, ठीक है ना। ये जुमला भी ऐड कर लीजिएगा, अभी बैठे बैठे मेरे जहन में आया तो मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है बेटा। अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहते होते हैं तो आप लोग यू विश मुझसे चेक करवा के ऐड कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़।